हेलो, क्या बोल रहे हो? वो मीटिंग में जा रहे हो अभी? नहीं तो मीटिंग में जा रहे हैं तो पत्रकारों के लिए मारपीट करने का क्या क्या ये तो बता दें। और हटाओ का क्या शब्द, आपकी कौन सी भाषा यूज कर रहे हैं सर कि आप इनको हटाओ? इनको हटाओ का क्या मतलब है सर? सर इनका आप जवाब दीजिए ना, इनको हटाओ का क्या मतलब है? आपसे जवाब मांगने आए हैं, आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं। खबरगति न्यूज से संवाददाता को भेजा तो उसके साथ अभद्र तरीके का व्यवहार किया गया, साथ ही उसे डराया और धमकाया गया। इस सिलसिले में जब डॉक्टर पीएस ठाकुर से बात की गई, जो कि एमवाई अस्पताल के अधीक्षक है, उनका कर्तव्य होता है कि यहाँ पर अगर कोई घटना घट रही है तो उसे सुने और उसका निराकरण करे, वह अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए, या यूं कहें कि उन्होंने अपने गार्डों को, डॉक्टरों को ये शह दे रखी है यहाँ पर गुंडागर्दी करने की। क्योंकि जब बात की जाए ब्लैक फंगल्स की, जानकारी लेने खबरगति न्यूज से संवाददाता यहाँ पर आए अस्पताल, तो यहाँ उन्हें डराया धमकाया गया। क्या ये माना जाए कि वाकई 250 इंजेक्शन मरीजों को लगे हैं और इसका रिएक्शन हुआ है? तभी तो यहाँ एमवाई के अधीक्षक डॉक्टर पीएस ठाकुर बौखला गए। एमवाई के अधीक्षक डॉक्टर पीएस ठाकुर इस गाड़ी से आना और जाना करते हैं। जब हमारी खबर गति के संवाददाता के साथ ब्लैक फंगल्स इंजेक्शन के हुए रिएक्शन को लेकर जानकारी मांगने जब एमवाई अस्पताल आए, तो यहाँ के गार्डों द्वारा, यहाँ के डॉक्टर द्वारा हमारे संवाददाता के साथ मारपीट की गई। जब इस सिलसिले में डॉक्टर पीएस ठाकुर को जानकारी देने के लिए खबरगति की टीम आई, तो आप देख सकते हैं यही वो गाड़ी है। इस गाड़ी में बैठते वक्त वो ये बोल रहे, हटा हटा इनको, इनको हटा, मतलब वो देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों की कोई इज्जत नहीं है। अगर वो सत्यता जानने आते हैं तो उन्हें ये शब्द कह के भगाया जाता है, हटा इनको, हटा हटा इनको। ये एक जिम्मेदार पद पर है डॉक्टर पीएस ठाकुर, इस पद पर आए, लेकिन भाषा का ज्ञान उन्हें अभी तक नहीं है कि किस लहजे में बात करना चाहिए, या यूं कहें कि वह रिश्वत दे के अधीक्षक बने हैं। केंद्र व राज्य सरकार पत्रकारों के हित के लिए इतने वादे कर रही है, इतने सारे नियम निकाले हैं, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो आज भी पत्रकारों को उनका हक नहीं मिला है। बात की जाए पीएस ठाकुर की, यहाँ पर जब उनसे सवालों का जवाब मांगने के लिए जब खबरगति की टीम आई, तो वह साफ नकारते हुए और अभद्र भाषा में बात करते हुए बोले, हटा इनको, हटा। एक जिम्मेदार पद पे होने के बावजूद इस तरीके की भाषा क्या शोभनीय है? क्या उन्हें यह शोभा देता है?